नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं बैक बेंचर लॉ। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 36 एंड 37 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो कि बेसिकली डील करता है इंजंक्शन से। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या कहा गया है। तो बेसिकली इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें इंजंक्शन को समझना पड़ेगा। तो इंजंक्शन इन जनरल क्या होता है कि ये एक तरीके का बैन, प्रोहिबिशन या रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, इंजंक्शन का बेसिक मीनिंग होता है बैन, प्रोहिबिशन या फिर रेस्ट्रिक्शन। तो इंजंक्शन होता क्या है? कोर्ट जो है इंजंक्शन पास कर सकता है इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर या डिग्री। ठीक है, अब कोर्ट इंजंक्शन क्यों पास करता है? टू डू सर्टेन एक्ट और टू नॉट टू डू सर्टेन एक्ट। ठीक है, ये दो चीज के लिए ही कोर्ट पास करेगा। अब ये तो हो गया इसका बेसिक। अब देख लेते हैं इसके सेक्शन वाइज में क्या कहा गया है। अब सेक्शन वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो सेक्शन 36 में कहा गया है प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड। प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बाय इंजंक्शन टेम्पररी और परपेचुअल। तो ये जो है ये कोर्ट के डिस्क्रिशन में है कि वो इंजंक्शन पास करेगा कि नहीं करेगा। और इंजंक्शन जो है वो दो तरीके का है, टेम्पररी और परपेचुअल। ठीक है, अब हम लोग इसको समझ लेते हैं कि टेम्पररी और परपेचुअल क्या होता है। टेम्पररी इंजंक्शन होता है जो कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जो कि इन बिटवीन द सूट, यानी कि सूट फाइल होने के बीच में, यानी कि सूट फाइल होने के बाद में या सूट जस्ट फाइल होता है उसके बाद में ये इंजंक्शन पास किया जा सकता है। ये जो टेम्पररी इंजंक्शन होता है ये एक सर्टेन टाइम लिमिट के लिए होता है, और वो टाइम लिमिट क्या होता है? टिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट। टेम्पररी इंजंक्शन है वो पास किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए या कोई कार्य ना करने के लिए, यानी कि उसको रोकने के लिए कि वो कार्य ना करे, ये होता है इंजंक्शन। और ये जो टेम्पररी इंजंक्शन रहता है ये इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर पास किया जाता है। ठीक है, इट इज पास इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर, ना कि डिग्री। डिग्री के फॉर्म में क्या पास किया जाता है? परमानेंट इंजंक्शन। अब समझ लेते हैं परपेचुअल इंजंक्शन क्या होता है। परपेचुअल इंजंक्शन को हम लोग अदरवाइज ये भी बोल सकते हैं परमानेंट इंजंक्शन। परपेचुअल इंजंक्शन जो है इन फॉर्म ऑफ डिग्री पास किया जाता है। अब आपको पता है डिग्री ऑर्डर। डिग्री में क्या होता है कि ये फाइनल डिसीजन जब हो जाता है, ट्रायल जब खत्म हो जाता है, तभी डिग्री पास किया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि जो परपेचुअल इंजंक्शन है ये ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही ये परपेचुअल इंजंक्शन पास किया जा सकता है, लेकिन टेम्पररी इंजंक्शन जो है वो इन बिटवीन द ट्रायल यहाँ पे ग्रांट कर सकता है कोर्ट। और जो वैलिडिटी रहेगा टेम्पररी इंजंक्शन का वो रहेगा मैक्सिमम टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस। ठीक है, लेकिन परपेचुअल इंजंक्शन का ऐसा कोई वैलिडिटी नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी तक ये चलते ही रहेगा ये परपेचुअल इंजंक्शन। अब देख लेते हैं इसका सेक्शन 38 में क्या कहा गया है। सेक्शन 38 कहता है टेम्पररी एंड परपेचुअल इंजंक्शन। फर्स्ट, टेम्पररी इंजंक्शंस आर सच एज आर टू कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफाइड टाइम और अंटिल द फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, एंड दे मे बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ द सूट एंड रेगुलेटेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, ये किसी भी वक्त, यानी कि ट्रायल के किसी भी वक्त, ट्रायल में किसी भी वक्त ये वाला इंजंक्शन के लिए एक पार्टी यहाँ पे बोल सकता है, और कोर्ट जो है वो किसी भी वक्त ट्रायल में वो इंजंक्शन को पास कर सकता है, लेकिन उसका जो वैलिडिटी रहेगा वो रहेगा टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस, यानी कि मैक्सिमम जो उसकी वैलिडिटी है टेम्पररी इंजंक्शन की वो रहेगी कि टिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट। अब इसमें जो कहा गया है इट इज रेगुलेटेड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अगर आपने सीपीसी का ऑर्डर 39 पढ़ा होगा तो उसमें कहा गया है टेम्पररी इंजंक्शन से रिलेटेड, यानी कि प्रोसीजर कब वो टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। मैं इसके बाद एक सीपीसी का सीरीज शुरू करने वाला हूं, तो उसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि जो टेम्पररी इंजंक्शन होता है वो किसी भी वक्त किया जा सकता है, और इसका जो मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है वो होता है टिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट, और ये पास किया जाता है इन फॉर्म ऑफ अ ऑर्डर। ठीक है, अब इसका जो सेकेंड सब पॉइंट है उसमें कहा गया है अ परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिग्री मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट। The defendant is thereby perpetually enjoined from the assertion of a right or from the commission of an act which would be contrary to the rights of the plaintiff. तो इसमें basically यही कहा गया है कि जो perpetual injunction है, यानी कि जो permanent injunction है, वो grant किया जाता है in form of degree, जैसे कि मैंने आपको कहा था, और इसका कोई time limit नहीं होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलते रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे कि टेम्पररी में पढ़ा था वो एक टाइम लिमिट तक रखता है, मैक्सिमम टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस, लेकिन इस वाले में परमानेंट इंजंक्शन में ये जब फाइनली जब केस डिसाइड हो जाता है तब ये पास किया जा सकता है, यानी कि इन फॉर्म ऑफ अ डिग्री। ठीक है,
इन फॉर्म ऑफ ए डिग्री ये वाला पास किया जाता है और इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। अब इसमें इंजंक्शन हम लोग इतना तो समझ लिए, बट इसमें कुछ और चीजें भी है जो कि समझना पड़ेगा। अगर आपने सीपीसी पढ़ा होगा तो आप ये जानते होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें बेसिकली चार चीज होता है। इंजंक्शन ग्रांट करेगा जब कोर्ट, इंजंक्शन जब भी कोर्ट ग्रांट करेगा तो वो चार चीज को देखेगा। पहला होता है प्राइमा फेसाई केस, दूसरा होता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, तीसरा होता है इरिपेरेबल लॉस और चौथा होता है प्रॉम्प्टनेस। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एक एक करके समझ लेते हैं। पहला जो है प्राइमा फेसाई केस, तो प्राइमा फेसाई केस में क्या होता है कि जब प्लेंटिफ बोलता है इंजंक्शन के लिए अपोजिट पार्टी को, यानी कि प्लेंटिफ जब कोर्ट जाता है इंजंक्शन के लिए अपोजिट पार्टी के खिलाफ, तो यहां पे या तो वो चाहता है कि जो अपोजिट पार्टी है वो कोई कार्य करे, या फिर वो चाहता है कि अपोजिट पार्टी ये कार्य ना करे, यही होता है इंजंक्शन। अब इस केस में कोर्ट यहाँ पे चेक करेगा जेन्युइननेस, जेन्युइन केस है कि नहीं। अब इस पे एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि मैंने आपको कोई घर रेंट पे दिया है, ठीक है, मैंने आपको कोई घर रेंट पे दिया है, और फिर क्या हो रहा है, आप जब पोजिशन में ले लिए हैं, यानी कि आप जब उस प्रॉपर्टी में हैं, उस दौरान क्या कर रहा हूँ मैं, उस प्रॉपर्टी में जबरदस्ती आपको परेशान कर रहा हूँ, घुस रहा हूँ, कभी भी आ जाता हूँ घर के अंदर, तो ये सारा चीज के लिए आप क्या करते हैं, आप कोर्ट जाते हैं। क्यों जाएंगे? इंजंक्शन के लिए, मेरे को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कि मैं इस घर पे ना घुसूं, मैं आपके घर पे ना घुसूं, मैं आपके राइटफुल पोजीशन यानी कि पीसफुल पोजीशन को हैम्पर ना करूं। तो इस जगह में कोर्ट जो है प्राइमा फेसाई केस, यानी कि केस की कितनी जेन्युइननेस है, आप जो आए हैं कोर्ट आपको वहां पे जेन्युइननेस प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? जैसे कि आपके और मेरे बीच में रेंट अग्रीमेंट हुआ था वो आप दिखाएंगे, मैं आप मुझे रेंट देते हैं वो आप दिखाएंगे, तो ये सारा चीज जो है ये जेन्युइननेस दिखाएगा कि आप कितने जेन्युइन हैं। ठीक है, तो जब तक जेन्युइननेस प्रूफ नहीं होगा तब तक कोर्ट जो है यहां पे ग्रांट नहीं करेगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। अब देखिए, कन्वीनियंस जो होता है किसी भी इंसान का हम मेजर नहीं कर सकते। आपका आपका कन्वीनियंस कुछ और है, मेरे लिए मेरा कन्वीनियंस कुछ और है, किसी और व्यक्ति के लिए किसी का कन्वीनियंस कुछ और है, तो कन्वीनियंस मेजर करना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि यहाँ पे बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का मतलब है कि हम लोग कन्वीनियंस मेजर करते हैं, बट कैसे करते हैं, हम लोग इनकन्वीनियंस मेजर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कन्वीनियंस कितना होता है। तो यहाँ पे इनकन्वीनियंस मेजर करना काफी आसान होता है, क्योंकि अब देखिए इनकन्वीनियंस कैसे मेजर होता है। अब इसमें एक 1 से 10 का स्केल ले लीजिए, ठीक है। अब इस 1 से 10 के स्केल में हम लोग मेजर करेंगे बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस। अब मान लीजिए कि अगर इंजंक्शन, अगर मैं जा रहा हूँ इंजंक्शन के लिए आपके खिलाफ, यानी कि मैं जा रहा हूँ इंजंक्शन के लिए कोर्ट, इस केस में अगर कोर्ट ये देखेगा कि कोर्ट अगर मुझे इंजंक्शन ग्रांट कर देता है तो इसके वजह से आपको कितना इनकन्वीनियंस हो रहा है, यानी कि जो अगर कोर्ट अगर इंजंक्शन ग्रांट कर देता है जिसके लिए मैं गया हूँ, तो उसके लिए आपको कितना इनकन्वीनियंस होता है। और एक चीज क्या देखेगा कि कोर्ट ये देखेगा कि अगर वो इंजंक्शन ग्रांट नहीं करता है तो उस केस में मुझे कितना इनकन्वीनियंस होगा, तो उस हिसाब से वो मेजर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसके इंजंक्शन ग्रांट करने से आपको जो इनकन्वीनियंस होगा वो है 3, ठीक है, और अगर वो इंजंक्शन ग्रांट नहीं करता है तो मुझे जो इनकन्वीनियंस होगा वो होगा 2। तो इस केस में इनकन्वीनियंस किसका आपको ज्यादा हो रहा है इंजंक्शन ग्रांट करने पे, तो इस जगह पे कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा इंजंक्शन, यानी कि वो कन्वीनियंस को, यानी कि वो इनकन्वीनियंस को मेजर करेगा, क्योंकि कन्वीनियंस को मेजर करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि उसी स्केल में अगर मान लीजिए कोर्ट अगर इंजंक्शन ग्रांट नहीं करता है, अगर कोर्ट इंजंक्शन नहीं ग्रांट करता है तो मुझे जो अमाउंट ऑफ, यानी कि मुझे जो नंबर ऑफ, अगर उस स्केल में हम लोग मेजर करें, मुझे जो नंबर ऑफ इनकन्वीनियंस होगा वो होगा अगर 5, और आपको अगर वो इनकन्वीनियंस होगा 3, तो इस केस में इनकन्वीनियंस किसका, मेरा ज्यादा है 5, तो इस केस में कोर्ट जो है ग्रांट करेगा इंजंक्शन, क्योंकि जो इनकन्वीनियंस है वो मुझे ज्यादा हो रहा है, यानी कि जिसके तरफ इनकन्वीनियंस ज्यादा होगा उसके फेवर में ये डिसीजन होगा, ठीक है। अब इसका जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट में कहा गया है इरिपेरेबल लॉस, कोई इस तरीके का लॉस है जिसको कि रिपेयर नहीं किया जा सकता है। तो अगर कोई इस तरीके का केस आता है जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, कोई ऐसा चीज है जिसका कि मॉनेटरी कंपेंसेशन अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके के केसेस को हम लोग इरिपेरेबल लॉस देखते हैं। तो ये इस चीज को भी कोर्ट चेक करेगा कि क्या जो लॉस अगर कॉज होगा क्या वो इरिपेरेबल है, तो ये सारी चीजों को भी कोर्ट देखेगा। इसमें एक और चीज भी देखेगा कोर्ट, वो है प्रॉम्प्टनेस। प्रॉम्प्टनेस क्या होता है? प्रॉम्प्टनेस होता है, मान लीजिए कि मेरा एक प्रॉपर्टी एक सिटी में है और मैं दूसरे सिटी में रहता हूँ, ठीक है। अब मेरा उस सिटी में आना जाना लगा रहता है, ठीक है, तो मैं एक हफ्ते में 2 बार उस सिटी को जाता हूँ, ठीक है, मैं एक हफ्ते में 2 बार उस सिटी तक जाता हूँ, उस सिटी में मेरा जाना आना रहता है, और मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसमें आप घुस के
जबरदस्ती घुस के उसमें आप घर एक बना रहे हैं, ठीक है, अपना प्रॉपर्टी बोल के मैं देख रहा हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ पे जा नहीं रहा हूँ इंजंक्शन के लिए, ठीक है। मैं देखा, कुछ दिन देखा, आफ्टर 6 या 7 मंथ्स जब आपने उस घर की बुनियाद खड़ी कर दी, यानी कि जो उसका जो पिलर से आपने खड़ा कर दिया, ऑलमोस्ट आपका काम कंप्लीट होने वाला था, उसके बाद में इंजंक्शन के लिए गया। तो इस केस में यहाँ पे जो हो गया, यहाँ पे क्या प्रॉम्प्टनेस नहीं है मेरा, क्योंकि मैं जाते रहता हूँ उस सिटी में, मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे जमीन में घुस के जबरदस्ती घर बना रहे हैं, फिर भी मैं इतने दिन बाद क्यों गया कोर्ट इंजंक्शन के लिए? मुझे तो उसी वक्त जाना चाहिए था ना, जब मैंने देखा कि आप मेरे लैंड में घुस के घर बना रहे हैं, तो मैं उस टाइम क्यों नहीं गया? तो ये सारे चीज जो है, ये सारे चीजों को कोर्ट देखेगा। पहला है आपका प्राइमा फसाई केस, दूसरा है आपका बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस चेक करेगा, तीसरा है वो देखेगा कि इरिपेरेबल लॉस है क्या, और चौथा है वो देखेगा कि प्रॉम्प्टनेस क्या था, प्रॉम्प्टनेस था कि नहीं था, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है इंजंक्शंस। अब ये जो मैं आपको 4 पॉइंट कहा कब ग्रांट करेगा, ये मैं आपको हल्का हल्का बता दिया हूं, बट मैं जब इसको सीपीसी कवर करूंगा तो मैं इसको इन डिटेल आपको समझा दूंगा। अभी के लिए आपके लिए इतना ही काफी है, आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 36 और 37 में आप इतना ही पढ़ लीजिए, आपके लिए काफी रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी और वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके उस कमेंट का कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई दूं। और अगर आप मेरे चैनल के फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज तक पहुंचना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, हम लोग वहां पे आराम से बात कर सकते हैं, आप वहां पे मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, हम लोग वहां पे आराम से बात कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।